तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसे ही आप लोग ने देखा था कि अवेंजर्स लोग अपनी गाड़ी से जंगलों के पास से जा रहे थे, लेकिन वहां पे अवेंजर्स लोग की गाड़ी खराब हो जाती है और वहां पे एक सुनसान सा डेंजरस सा हॉरर सा घर नजर आता है। तो अवेंजर्स लोग वहां पे मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से निकलते हैं अंकल, वो भी ईवल अंकल, और ईवल अंकल धीरे धीरे सारे अवेंजर्स लोग को बेहोश कर देते हैं और लास्ट में स्पाइडरमैन को भी किडनैप करके बेहोश करके बांध के अपनी दुनिया में ले जाते हैं। उसके अगली सुबह फ्रैंकलिन सबको ढूंढता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता। फिर फ्रैंकलिन को पता चल जाता है कि सारे के सारे लोग ईवल हेलो अंकल के घर के अंदर कैद है। तो फ्रैंकलिन निकल पड़ता है गाड़ी लेकर के अपने दोस्तों को तलाश करने के लिए। तो वहां पे अंकल जी नजर आ जाते हैं, तो फ्रैंकलिन जल्दी से फोटो खींच लेता है अंकल जी का और पुलिस को दिखाने के लिए अंकल जी फ्रैंकलिन को भी रोक देते हैं। तो फ्रैंकलिन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, अंकल जी का भूतिया हवेली घुस करके सारे दोस्तों को बाहर निकालना और खुद भी बच करके बाहर जाना। तो क्या लगता है दोस्तों, फ्रैंकलिन कर पाएगा ये मिशन कि नहीं, देखेंगे आज के एपिसोड में। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। ओके तो गाइस, यार लगता है अब हमें यार ये भूतिया वाले रेड हाउस के अंदर जाना पड़ेगा। भाई सारे के सारे ना ये पेपर एरोप्लेन्स ना वहीं से आ रहे हैं, वहीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड गाइस सारे के सारे पेपर में ना हेल्प हेल्प लिखा हुआ है। एंड गाइस आपने देखा होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने गाइस वो जो घर गए थे उसके अंदर से गाइस हमें कुछ खास नहीं मिला, बेसमेंट में जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो यार अब हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। एंड गाइस मेरे पास यहाँ पे तीन सामान है, एक क्रोबार है, एक भाई साहब सीसीटीवी कैमरा का डिस्प्ले और दूसरी तरफ कैची है। ये सीसीटीवी कैमरा का डिस्प्ले ना जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगा रहता है ना मुझे वो वाला फुटेज दिखाता है, जैसे कि घर के अंदर का। ये देखो यहाँ का घर का अंदर का सारा फुटेज है और बाकी कैमरे काम नहीं कर रहे। ओके चलो ठीक है भाई, ये भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। अब चलो गाइस ये घर के अंदर चलते हैं। मुझे तो गाइस बहुत ही डर लग रहा है, अगर मैं घर के अंदर गया और कुछ गड़बड़ हो गया तो। चलो गाइस एक सेकेंड, यहाँ पे तो भाई चाबी लगेगी तभी मैं घर के अंदर जा पाऊंगा। भाई यार चाबी मैं आप कहाँ से लेके आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड गाइस ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारे सामान है, चलो इसे हटाता हूँ। एंड गाइस ये देखो मैं घर के अंदर देख सकता हूँ, घर के अंदर कोई है क्या? अरे भाई साहब कोई तो है। ओके गाइस घर के अंदर लगता है कोई भी नहीं है, मुझे घर के अंदर जाना है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और एक सेकेंड यहाँ पे भी दरवाजा है, चलो यार ये तो बढ़िया है। ये तिजोरी है, मुझे लगता है गाइस ये तिजोरी के अंदर ना भाई वो मेन गेट का चाबी होगा। ओके एंड गाइस ये मैप है, एंड यहाँ पे मुझे लगता है ना कुछ सामान रखनी है। भाई ये क्या घर है और इसको मैं उठा सकता हूँ? एक सेकेंड, लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि हम लोग ने भाई यार डॉल को रखते थे, हो सकते हैं यहाँ पे घर को रखना है। चलो मैं घर को उठाया एंड यार यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे एक घर तो हम लोग ने यहाँ पे लगा लिया है और गाइस यहाँ पे ना दो घर और चाहिए। अगर मैं दो घर यहाँ पे लगा देता हूँ ना तो भाई यहाँ पे ये संदूक खुल जाएगा एंड मुझे पक्का यानी इसके अंदर से मुझे चाबी मिल जाएगी। एंड गाइस ये दरवाजा खोल सकते हो, यहाँ पे भी गाइस ताला लगा हुआ है, मतलब गाइस ये घर के अंदर घुसने के लिए ना मुझे यहाँ पे लगता है चाबी चाहिए चाहिए, बिना चाबी के तो मैं जा नहीं सकता। एंड गाइस यहाँ पे एक और है खिड़की जिसके अंदर मैं देख सकता हूँ, बट गाइस मुझे अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ डॉल या फिर कुछ है। एंड गाइस यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है जिसका यार चाबी का अता पता नहीं है। एंड यहाँ से क्या इधर जा सकता हूँ? चलो एक बार जाके देखता हूँ, क्या पता है इधर से मैं कहीं जा पाऊँ। भाई ये दरवाजा से अंदर जा सकता हूँ? नहीं गाइस ये दरवाजा भी लॉक है। ओके एंड गाइस नीचे आता हूँ तो भाई ये लगता है गराज है और गराज ही मुझे लगता है लॉक है। एंड गाइस ये क्या, यहाँ पे गाइस ये कुछ पेपर बैग है बट लेकिन यार ये भी कोई काम का नहीं। अरे गाइस ये देखो पीछे से रास्ता, पीछे से जा सकता हूँ क्या? ये खिड़की है ये भी नहीं खुल रहा गाइस, मतलब कि हम लोग पूरे तरीके से चारों तरफ से घर को घूम लिए हैं बट गाइस अंदर ये घर तो बहुत ही भूल भुलैया है बट हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करें समझ नहीं आ रहा, हमें अंदर भी जाना है पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सिर्फ ये शवल के अलावा। चलो इसे पकड़ लेता हूँ भाई ये शवल, लेकिन एक सेकंड गाइस मुझे ये अजीब क्यों लग रहा है भाई, ऐसे नशे जैसे क्यों लग रहे हैं मुझे भाई? ये देखो वो नो ये चल क्या रहा है। अब लगता है गाइस कुछ तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। हिंट्स गाइस ये क्या हो रहा है, मतलब गाइस मैं अपने घर में कैसे आ गया? अभी तो गाइस मैं कहीं और था, ये क्या सपना देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके घड़ी बंद हो जा भाई, लेकिन मुझे गाइस यार समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ घर कैसे आ गया। भाई आप लोगों के सामने यार मैंने शवल उठाया था, एक सेकंड घर मेरे घर के बाहर कौन है? ओ नो टॉर्च ऑन करो भाई, मेरे घर के बाहर कौन है? ए मेरा घर के बाहर कौन है? ओ नो गाइस यार ये क्या, मेरे घर के बाहर तो कोई है जो यार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरा टॉर्च नीचे गिर गया, टॉर्च ये टॉर्च भी नहीं मिल रहा है यार। अरे यार ये ससुरा टॉर्च कहाँ चला गया? ओ नो यार ये क्या, ये तो अंकल है। ओके ओ नो गाइस यार ये क्या, ये था क्या कि ये बुरा सपना था? ओके गाइस यार लगता है ये बुरा सपना था, मेरे अंकल मतलब कि अंकल बेड के नीचे तो नहीं है ना? नहीं वो एक बुरा सपना ही था गाइस यार, लगता है गाइस यार मुझे यहाँ पे बहुत बुरे बुरे सपने देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके गाइस यार यहाँ पे तो ये सारा का सारा सामान है, चलो ठीक है यहाँ पे यार ये सब सामान रहने देते हैं। एंड यहाँ पर अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। एक सेकेंड ये तो भाई मुझे ये जानी बजानी लग रही है, ये तो बेकरी वाली है ना? ओके चलो गाइस यार
और ये बेकरी वाला ही का जगह है। लेट्स गो गाइजर, मुझे लगता है अब भाई मुझे बेकरी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइजर जो भूतिया हाउस है ना उसका भाई दरवाजा तो खोल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करता हूँ, ये देखो सामने जो बेकरी है ना मुझे लगता है वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे लगता है क्या पता चाबी मुझे वहीं मिल जाए। ये देखो ये रहा है बेकरी, और भाई ये बेकरी है या फिर ये कैफे है पता नहीं, लेकिन यार मुझे लगता है ये दोनों ही है। ठीक है, यहाँ पे आप खा भी सकते हैं एंड ये बेकरी भी जैसा है, देख रहे हो कैफे बेकरी दोनों है। एंड गाइजर ये क्या खुला हुआ है क्या? ओके गाइजर ये तो खुला हुआ है, ओके चलो अंदर जाता हूँ। ओके ये देखो ये रही जो भाई मेरे सीसीटीवी कैमरा में थी। ओके ये लगता है गाइजर कुछ पका रही है, चलो बढ़िया है। एंड यहाँ पे रेडियो बज रहा है। एंड गाइजर ये क्या, ये तो लॉकर है, और गाइजर इसको मैं दबा करके लगती है इसके अंदर से मुझे चाबी मिलने वाली है, लेकिन गाइजर यहाँ पे तो की है ही नहीं है, मतलब की मिसिंग है। और एक सेकेंड ये क्या, ओ नो यार मुझे पकड़ लिया। अरे आपके क्या शॉप में आना मना है क्या? ओ नो यार लगता है इनके शॉप में आना ना मेरे लिए मना है। लगता है गाइजर मुझे यहाँ पे अब ध्यान से चलना पड़ेगा। ओके काम करता हूँ ऊपर जाता हूँ, क्या पता मुझे ऊपर कुछ मिल जाए। लेट्स गो गाइजर, नीचे तो भाई ये बार बार ये आंटी जी मुझे पकड़ ही ले रही है, क्या पता ऊपर में मुझे कुछ मिल जाए काम का। ओके लगता है गाइजर इसके लिए मुझे ये फेंकना पड़ेगा। लेट्स गो, मैंने फेंक दिया एंड ये आंटी जी हो सकता है ऊपर ही आ जाए। ओके यहाँ पे गाइजर ये देखो, ये भाई ये किताब बंद है, इसे मुझे चाबी डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है ओके, और क्या लगता है यार आंटी जी ऊपर आ रही है। एंड गाइजर यहाँ पे कुछ और क्या है? ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ और है। एक सेकंड आंटी जी आ गई, आंटी जी आ गई, भागो 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 भागो, आप पकड़ नहीं सकते मुझे। आजी 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 आजी, नहीं पकड़ सकते। ओके यहाँ से भी मैं अंदर जा सकता हूँ, चलो बढ़िया है। इसमें गाइजर मुझे ना वो पौधे के अंदर से कुछ नजर आ रहा था। लेट्स गो गाइजर चेक करता हूँ, क्या यार ये पौधे के अंदर चाबी है क्या? लेट्स गो गाइजर ये काटता हूँ। ओके भाई ये देखो ये की है 5 नंबर का, बट गाइजर मैं पौधा जैसे ही काट रहा हूँ ना ये बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पानी रेगुलरली पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पानी बंद करना पड़ेगा। ओके एंड गाइजर लगता है पानी बंद करने के लिए ना मुझे यहाँ पे लीवर लाना पड़ेगा, जो गोल वाला लीवर होता है। जैसे ही मैं इसे लाऊंगा ना तो भाई इससे मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ और बंद ऑफ कर सकता हूँ। चलो ठीक है, कम से कम मुझे कुछ हिंट्स और कुछ समझ में भी तो आ रहा है। लेट्स गो गाइजर मुझे नीचे जाना होगा, चलो अब जल्दी से नीचे जाते हैं एंड गाइजर ढूंढते हैं नीचे हमें कुछ और मिल जाए। चलो एक काम करता हूँ यहाँ पे भी यार ये शीशा तोड़ देता हूँ, जिससे गाइजर मुझे आने जाने का रास्ता मिल जाए और आंटी जी यहाँ पे वापस जाएंगी, इससे पहले मैं भाग जाता हूँ। पीछे कुछ है क्या? पीछे गाइजर कुछ भी नहीं है। ओके मुझे वापस अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ये दरवाजा भी खुला हुआ है, चलो बढ़िया। एक सेकेंड ये किटी के पास भी एक की है, मतलब यार ये नंबर है। अरे दे दे भाई दे दे, उससे खेल रही है। ओ नो गाइजर ये देने नहीं वाली है, ये देखो ये 1 नंबर इसके पास। अरे दे दे भाई ये देगी नहीं। ओके 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 लगता है आंटी जी ने देख लिया, भागो 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 भागो। भाई यहाँ पे यार वो जो नंबर है ना वो हर जगह फैला पड़ा है, कोई किटी ली हुई है, कोई पेड़ में अटका हुआ है, और मुझे सबको लेने के लिए ना यार मुझे यहाँ पे सबका पजल सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेकंड गाइजर ये क्या, यहाँ पे भी खिड़की है, चलो यहाँ से जाते हैं। लेट्स गो गाइजर चलो अंदर चलते हैं। एक सेकेंड इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो किटी का खाना है। अगर गाइजर मैं किटी को ये खाना दे दूंगा तो गाइजर वो यार वो की को छोड़ देगी, मतलब कि वो नंबर को छोड़ देगी और वो नंबर मैं ले लूंगा। बट यार ये किटी का खाने के लिए ना मुझे यहाँ पे भी चाबी चाहिए। एक सेकेंड ये लगता है लीवर है जो गाइजर मैं ऊपर लगा सकता हूँ, ये तो बढ़िया है। चलो भाई ऊपर जल्दी से चलता हूँ, लगता है आंटी जी आ रही है। अरे जी जल्दी से बाहर निकल जाओ। ओके गाइजर फाइनली अब टाइम आ चुका ऊपर जाने का एंड गाइजर पानी बंद करने का, जिससे गाइजर मैं पहला यार नंबर ले सकता हूँ। लेट्स गो गाइजर चलो चलो जल्दी ऊपर चलो जल्दी ऊपर चलो। चलो गाइजर जल्दी से अंदर जाते हैं एंड गाइजर मुझे यहाँ पे पानी का प्रेशर ना बंद करना है, और पानी का प्रेशर ये रहा। चलो गाइजर जल्दी से खोजता हूँ कहाँ गया ये रहा। चलो यार जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ मैं एंड गाइजर इसे घुमाता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ, पानी बंद हुआ क्या? लेट्स गो गाइजर देखता हूँ, लगता है गाइजर पानी बंद हो चुका है। अब गाइजर मैं यहाँ पे पेड़ को काट सकता हूँ, ये देखो ये कट रहा है इसी तरीके से। फाइनली गाइजर मैंने पूरी तरीके से काट दिया एंड गाइजर ये देखो कट जा भाई। ओके और मुझे यहाँ पे 5 नंबर मिल चुका है। अब गाइजर मैं नीचे ना 5 नंबर लगा सकता हूँ। चलो गाइजर जल्दी से 5 नंबर जाके लगा देता हूँ। चलो 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 आंटी जी दिखे ना एंड गाइजर ये लो 5 नंबर मैंने लगा दिया। ओके अब मुझे दूसरा नंबर भी लगाना है, तो गाइजर चलो यहाँ पे ढूंढते हैं, क्या पता मुझे यहाँ पे आसपास ही दूसरा नंबर मिल जाए। ओके आंटी जी आ गई है, बट एक सेकंड मुझे यहाँ पे एक और नंबर मिल चुका है। ओह नो नो आंटी जी ने मुझे देख लिया है। बट गाइजर आइसक्रीम फ्रीजर में ना एक और नंबर था, या फिर चाबी था मुझे पता नहीं, बट मुझे पक्का कि नहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो था, बर्फ में जमा हुआ मुझे दिख रहा था। अब मुझे वो वापस से उसे निकालना है। लेट्स गो गाइजर आंटी जी को ऊपर बुलाते हैं। चलो ठीक है ऊपर कुछ हरकत करते हैं, जिससे गाइजर आंटी जी ऊपर आने वाली है। ठीक है चलो, और वो जैसे ही ऊपर आएंगे ना ओसी गाइजर मैं नीचे चला जाऊंगा। यहाँ पे गाइजर एक काम करता हूँ इसे गिरा देता हूँ, या फिर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आंटी जी मैं ऊपर हूँ, ऊपर आ जाइए, मैं ऊपर जाके क्या करूँ? कैची है काम कर दो, फेंक देता हूँ। ये लीजिए आंटी जी। अरे फाइनली आंटी जी ऊपर आ चुकी है। चलो अब नीचे जाता हूँ मैं,
ओके अब सही मौका है नीचे जाने का। आंटी जी ऊपर है, लेट्स गो गाइजर, नीचे चलो नीचे चलो। मैंने गाइजर यहाँ पे देखा है, इसके अंदर कुछ तो है। ओके इसके अंदर चाबी है ये देखो। लेकिन यार ये तो बर्फ के अंदर कैद है, अब क्या करूं। एक काम करता हूं, ये अच्छा मौका है, अंदर डाल देता हूं मैं। अरे भाई नीचे क्यों गिर रही है, ले ना भाई। ओके फाइनली यार ये आग में जल रही है, ये देखो गाइजर चाबी फाइनली यार पिघल करके आ चुकी है, बट मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि देख रहो ये बहुत ही गर्म है, मुझे इसे ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने के लिए कुछ है क्या, एक सेकेंड, ये देखो भाई इससे आग बुझाते हैं, इससे मैं इसे ठंडा कर सकता हूँ। लेट्स गो गाइजर, पूरे तरीके से आग बुझाता हूँ मैं। ओके फाइनली ठंडा हो चुका है। एंड गाइजर अब मैं यहाँ पे आराम से चाबी ले सकता हूँ, बट आंटी आ चुकी है, भागो जल्दी भागो 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 भागो। आंटी जी अगर आप आई ना तो मैं इसी से ही ना आपका मुंह सफेद कर दूंगा। जी जी आंटी जी जाइए, आंटी जी जाइए। ओके आंटी जी फाइनली ऊपर है, और मैं गाइजर आराम से इसे वापस से बुझाता हूँ। अरे बुझ जा भाई, पूरे तरीके से बुझ जा ना, क्या दिक्कत है। आंटी जी आ मत जाइयो। ओके अब फाइनली मैं चाबी ले सकता हूँ, अब ये चाबी किसका है। चलो मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ, और चाबी चाबी ये रहा चाबी, क्या पता इसमें लग जाए। ओके आंटी जी आ चुके हैं। आंटी जी आपको पता कैसे चलता है कि मैं ऊपर आ गया हूँ, नीचे जाइए ना। चलो यार ऊपर तो मैं फाइनली आ चुका हूँ, अब भाई जल्दी से यहाँ पे चाबी डालता हूँ। एंड गाइस अरे चाबी कहाँ चला गया, ये रहा चाबी। ओके फाइनली खुल चुका है, एंड इसके अंदर से क्या है, इसके अंदर से मुझे यहाँ पे बटन मिल चुका है, मतलब बटन क्या बोलूँ मैं, कि यहाँ पे नंबर मिल चुका है। नीचे चलो नीचे चलो। आंटी जी को सच में यार पता कैसे चल रहा है कि मैं ऊपर ही हूँ या नीचे हूँ, पता नहीं यार। लेकिन चलो यहाँ पे बटन जल्दी लगाते हैं, 5 और 6। अब मुझे यहाँ पे दो बटन चाहिए, 1 और 2। एक बटन गाइजर किटी के पास है, और दूसरा बटन का अता पता नहीं है कि वो दूसरा बटन है कहाँ पे। चलो गाइजर अब एक काम करते हैं, ढूंढते हैं। एक सेकेंड गाइजर ये क्या, आंटी के पॉकेट में क्या है। ओके यार भागो भागो जल्दी भागो। गाइज आपने देखा आंटी के बैग वाले पॉकेट में चाबी थी। भाई यार आंटी जी आप चाबी छुपा के रखे हो मुझसे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। चलो गाइजर जल्दी जाके देखते हूँ कि आंटी जी के बैग वाले पॉकेट में चाबी कौन सी है। आंटी जी आप जा कर रही हो, चलो गाइजर जल्दी जाते हैं छुपके छुपके। एंड गाइजर आंटी जी के बैग से चाबी लेता हूँ मैं। फाइनली गाइजर मैंने आंटी जी से चाबी ले लिया, अब यहाँ से जल्दी से भागता हूँ मैं। आंटी जी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाइजर ये चाबी है किसका, क्या पता ये किटी के खाने का चाबी हो। जल्दी जाके देखता हूँ मैं, अगर ऐसा हुआ ना गाइजर मजे आ जाएगा। चलो चेक करता हूँ। एंड गाइजर ये रहा किटी का खाने का चाबी। ओके गाइजर आंटी जैसे ऊपर जाएगी ना तो मैं यहाँ पे किटी को खाना दे दूंगा। ये ले किटी खाना दे, और गाइजर मुझे यहाँ पे चाबी दे दे। ओके गाइजर मैंने किटी को खाना दे दिया, और ये रहा चाबी। फाइनली गाइजर ये की मतलब की मुझे मिल चुका है, नंबर वाला की। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं लगाता हूँ, ये है गाइजर 1। अब गाइजर मुझे यहाँ पे सिर्फ 7 चाहिए, और बाकी पूरा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। 7 7 मुझे यहाँ पे 7 तो मिल ही नहीं रहा। चलो जल्दी से 7 को खोजता हूँ मैं। अब गाइजर मुझे लगता है ना नीचे तो मैंने सब चीज एक्सप्लोर कर लिया, ऊपर ही बचा है, क्या पता ऊपर है मुझे कोई और चीज मिल जाए जिसके अंदर मुझे यार ये वहां पे नंबर वाला की मिल जाए। अब जल्दी जाके देखते हैं ऊपर में कुछ क्लू या फिर कुछ भी ऐसा चीज है जहां पे मुझे लगता है ये तो यार मैंने देख लिया, इसके अंदर तो मैंने जो था ले लिया है। कुछ भी, एक सेकेंड ये चाबी, एक सेकेंड यहाँ पे क्या है, लगता है गाइजर मुझे नहीं आप इसको ठीक करना है। देख रहे हो गाइजर ये ना क्लॉक भर, ये ना क्लॉक यार खराब है, देखो तो बस यार एक ही यहाँ पे काटा है बाकी कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे देखो टाइम हो रहा है 10:35, तो लगता है मुझे यहाँ पे 10:35 करने है, बट यार यहाँ पे एक काटा तो मिसिंग है। एंड गाइजर मुझे ना यहाँ पे कुछ लग रहा है दिक्कत, यहाँ पे कैची से काटने का मिल रहा है। और ये देखो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ना। ओके ये देखो मैंने लगा दिया। एंड गाइजर ये देखो अब मुझे बस समय सही करना है, 10:35 करने है। चलो जल्दी से 10:35 करता हूँ मैं। ये हो गया छोटा वाला काटा तो आवर्स का होता है ना, तो लेट्स गो, ये मैंने 10:35 कर दिया मैंने, और ये 35। ये देखो फाइनली मैंने जैसे किया यहाँ पे गाइजर 7 नंबर वाला मुझे यहाँ पे की भी मिल चुका है। अब भाई नीचे जाने का समय आ चुका है, एंड गाइजर चाबी लेकर रफू चक्कर में हो जाऊंगा। चलो गाइजर जल्दी चलो जल्दी चलो, बस ये मुझे लगाना है, एंड गाइजर नंबर पैड खुल जाएगा। चलो आंटी जी है नहीं ना, आंटी जी मैं आपकी बेकरी से जा रहा हूँ, बस ये मैंने लगाया। ओके एंड गाइजर नंबर होना चाहिए 1 5 7 6 1 5 7 and 6। ओके फाइनली मुझे यहाँ पे चाबी मिल चुका है। ओके यार यही चाबी मुझे चाहिए था, फाइनली ये चाबी मिल चुका है। ये चाबी से मैं घर को अनलॉक कर सकता हूँ। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। ये चाबी गाइजर मुझे चाहिए था वो भूतिया घर को अनलॉक करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ भूतिया घर के पास ये चाबी से वो घर को अनलॉक करने के लिए। तो गाइजर अब समय आ चुका है ये चाबी से गाइजर ये भूतिया घर को ना खोल लेगा। तो चलो गाइजर जल्दी से अंदर चलते हैं। गाइज सच बता रहा हूँ मुझे डर भी लग रहा है, अगर गाइजर ये चाबी मैंने लगाया और ये दरवाजा खोला तो भाई कुछ भूतिया ना हो जाए मेरे साथ, बट अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। लेट्स गो गाइजर फाइनली मैंने खोल दिया है, चलो अब अंदर देखते हैं। एक सेकेंड अंदर क्या है, अंदर तो गाइजर कुछ भी नहीं हो। एक सेकेंड ये क्या, ये तो अंकल है। ओह नो गाइजर ये देखो फाइनली अंकल मिल चुके हैं, ये देखो ये घर के अंकल है। ओह नो गाइजर भागो भागो जल्दी भागो। अच्छा जी मतलब कि भूतिया घर के अंदर ये अंकल है अब जाके मिले हैं।
मुझे लगता है मेरे सारे के सारे दोस्त लोग और वो बच्चा भी ये घर के अंदर ही होगा। अब मुझे घर के अंदर जाना है, लेट्स गो गाइस, और देखना है कि घर के अंदर जाने के बाद होने क्या वाला है। ओके गाइस, यार मुझे यहाँ पे चौकन्ने होके जाना है, पर लेकिन नहीं यार, ये अंकल जी तो भाई मुझे यार ढूंढ ही ले रहे हैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ अंकल जी, घर से बाहर जा रहा हूँ, आप जाइए। ओके यार, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे देख लूंगा, अंकल जी जैसे यहाँ से निकलते हैं तब मैं जाऊंगा। ओके ये देखो अंकल जी बैठ चुके हैं चेयर में, अब मैं आराम से अंदर जा सकता हूँ। दबे पाओ एंड गाइस, देखता हूँ आगे पीछे दाएं बाएं क्या है। एक सेकेंड गाइस, ये देखो यहाँ पे तो क्रोबार है, अंकल जी अभी मुझे देखे नहीं है। ओके ना ही देखो तो ज्यादा बेहतर है। एंड गाइस भाई ऊपर चले जाए अंकल जी, वो ज्यादा बेहतर है, ऊपर चले जाए, मुझे ना देखे ना देखे। एंड गाइस अंकल जी वहाँ पे बैठ चुके हैं। चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड ये क्या है, यहाँ पे घर है, लगता है यही घर तो मुझे चाहिए। ये फेंक के मारता हूँ मैं और ये घर को तोड़ के जल्दी से भागता हूँ। अंकल जी मुझे देख चुके हैं, भागो जल्दी। फाइनली गाइस घर मुझे मिल चुका है, एक घर और मुझे मिल चुका है जो मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ। अंकल जी गेट बंद कर लीजिए, उससे होगा क्या, घर तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा। ओके गाइस चलो यहाँ पे मैंने एक और घर लगा दिया है, ये देखो यहाँ पे लग सकता है क्या, नहीं यहीं पे लगेगा। भाई कैसे लगेगा घर, सही से लगना। ओके गाइजर फाइनली ये देखो घर लग चुका है, ये देखो अच्छे से। अब गाइजर बस एक घर और चाहिए, और यू नो यार अंकल जी आ चुके हैं। अरे मुझे छोड़ दो अंकल जी, मुझे लगा था अंकल जी यहाँ पे भी आ जाएंगे। ओके यार घर लेकिन मैंने फाइनली लगा दिया, अब बस मुझे यहाँ पे दोबारा जाना है एंड गाइजर बच के रहना है। ठीक है अंकल जी कहाँ पे हैं आप, अंकल जी अंदर है क्या, वो देखो अंकल जी वहां जा रहे हैं। अंकल जी यहाँ पे क्या कर रहे हो, अरे दूर जाओ ना अंकल जी। लगता है अंकल जी को पता चल गया कि मैंने यार उनका घर ले लिया है। ओके अंकल जी ढूंढ रहे घर कहाँ गया, अरे अंकल जी घर मैंने ले लिया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते समझे, आप चुपचाप सोफा में जाके बैठ जाइए सोफा में जाके। ओके फाइनली बैठ चुके हैं, अब मैं एकदम धीरे धीरे जाऊंगा और जाकर के सबसे पहले क्रोबार ले लूंगा। अंकल जी उठ चुके हैं। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से क्रोबार लेता हूँ एंड यार अंकल जी को लगता है आवाज़ आ चुकी है और यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्रोबार यहाँ पे ले लिया है और मुझे गाइजर वहाँ पे दूसरा घर भी मिल चुका है, राइट तरफ है दूसरा घर। ठीक है वो घर मुझे लेना है। ओके दरवाजा खुला एंड गाइजर वो देखो सामने है, मैं यहाँ पे चुपचाप आके यहाँ पे काट देता हूँ एंड ये घर लेता हूँ एंड गाइजर यहाँ से निकलता हूँ। फाइनली गाइजर मैंने यहाँ पे दूसरा घर भी ले लिया है, ये बहुत बढ़िया किया मैंने। एंड गाइजर अब मुझे दूसरा घर वहाँ पे जाके लगा देना है, चलो यही तो काम है मेरा, बस अंकल जी ना वहाँ पे जाके बैठ जाए तो मैं क्रोबार भी ले लूँ, बस यही काम करना मुझे बाकी है। अंकल जी बस आप आके सोफा में बैठ जाइए ना। ओनो गाइस अंकल जी देख रहे होंगे भाई वहां से उनका घर गायब हो चुका है, अंकल जी तो बहुत रोने लगेंगे कि उनका धीरे धीरे सामान कहाँ जा रहा है और उन्हें पता ही नहीं कि मैं धीरे धीरे सामान गायब करता चला जा रहा हूँ। ये देखो थक हार के अंकल जी बैठ चुके हैं, अब चलो अंदर जाता हूँ मैं और तेजी जाता हूँ एंड गाइजर ये क्रोबार लेता हूँ एंड गाइजर यहाँ से भागो जल्दी भागो। फाइनली मैंने सारा सामान ले लिया है, अब अंकल जी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है हाँ मैं जा रहा हूँ दोबारा नहीं आऊंगा, चाहिए आप भी। ओके गाइजर अब भाई मैं धीरे धीरे जाता हूँ, घर मेरा घर ये रहा। ओके यार फाइनली और ये चाबी मिल चुका है, जैसे मैंने ये सब चीज़ को अरेंज किया चाबी यहाँ पे मिल चुका है और ये चाबी लगता है यहाँ का है क्या। ओके यही का है, चलो ये घर को मतलब ये दरवाजे को बंद करता हूँ मैं, बंद हो जा भाई। ओके गाइजर ये जगह कितना डरावना है। ओके यहाँ पे लगता है मुझे कैची की जरूरत पड़ेगी ये जाले काटने के लिए। ओके ये भी जाले काट देता हूँ मैं, पता नहीं गाइजर जाले काटने में बहुत ही मजा आ रहा है कैची से। ओके यार ये क्या लैंप है और ये कहीं लगेगा क्या, लगता है गाइजर यहाँ पे लगेगा एंड इसका करना क्या है। ओके एंड इसका ये और ये हो गया। ओके सीक्रेट रास्ता बोल बोलैया, वाह भाई मजा आ गया। एंड यार ये तो मैं क्रोबार से आराम से तोड़ी दूंगा जिससे गाइजर अंकल जी मुझे देख लेंगे। अंकल जी आ रहे हैं, भागो जल्दी। ओके यार अब दो दरवाजा खुल चुका है, मैं इधर से भी एंटर ले सकता हूँ एंड गाइजर ऊपर भी जा सकता हूँ, ये तो बहुत कमाल की बात है। अंकल जी ऊपर भी आएंगे क्या, ऊपर आइए। ओके गाइजर ऊपर भी यार भूल भुलैया, देखो तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से भी क्रोबार से मैं खोल देता हूँ, जितने भी क्रोबार से जैसे मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ ना मैं सारे के सारे खोल दूंगा। एंड यहाँ पे भी कुछ है क्या, ताला लगाना पड़ेगा मतलब चाबी लगाना पड़ेगा, ऐसे तो खुलेगा नहीं। यहाँ पे भी यार चाबी चाहिए, मतलब भाई आधा ज़्यादा रास्ता तो लॉक ही है। और अंकल जी है कहाँ पे, ये देखो सामने से आ रहे हैं, अंकल जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैं तो चला, टू बाय, ये दीजिए बंद कर दिया, अब खोल के मत आइएगा। हाँ जा रहा हूँ। ओके गाइजर फाइनली अंकल जी से छुटकारा मिल चुका है, अभी इधर चलता हूँ मैं, इधर भी और एक सीक्रेट रास्ता है, अंकल जी आ मत जाइएगा। ओके ये देखो सीक्रेट रास्ता खुल चुका है एंड ये बंद कर दिया मैंने। गाइज यहाँ पे मुझे कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड ये देखो ये ना चाबी, अरे चाबी पड़ा तो मुझे समझ नहीं आया। ओके यार चाबी मुझे मिल चुका है। ओके ये चाबी मुझे लगता है ना घर के अंदर यूज होगा, ठीक है घर के अंदर मुझे क्रोबार लेके जाना चाहिए क्योंकि जब भी अंकल मिले तो मैं पड़ाक से अंकल जी को मार दूँ। ये देखो ये अंकल जी,
एंड गाइज़र अंकल जी सो रहे हैं, एक काम करती दरवाज़ा खोलता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अरे बंद हो जा भाई। एंड यहाँ पे लगता है भाई ये देखो रास्ता खुल गया, इसे बंद करता हूँ मैं। ओके एंड ये जगह खोलता हूँ मैं, ये जगह तो खुल भी नहीं रहा। और ये जी अंकल जी का गाड़ी। अरे यार ये गाड़ी को मैं कैसे चलाऊँ, अंकल जी आ रहे हैं मारने के लिए। वो भी अंकल जी मारेंगे तो नहीं ना। ओके गाइज़र ये रहा अंकल जी का गाड़ी। एंड मैं इसे स्टार्ट भी कर सकता हूँ क्या, पता नहीं। बट गाइजर लगता तो नहीं कि मैं इसे चला पाऊंगा, क्योंकि गाइजर इसके टायर तो मुझे देख के बहुत ही अजीब और गरीब लग रहे हैं। एंड गाइजर गाड़ी भी देखो कितनी पुरानी है, लेकिन कमाल की। अंकल जी के शौक बहुत नया वाले हैं। ओके आइए अंकल जी आइए, मुझे पकड़िए 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 पकड़िए, भूल भुलैया खेल लेते हम लोग भी दोनों। आइए ये पकड़ के दिखाइए, मुझे मान जाऊंगा मैं। चलो गाइजर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। एंड गाइजर ऊपर चढ़ते हैं, क्या पता मुझे ऊपर कुछ मिल जाए। ओके चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ऊपर कुछ है क्या? ओके यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छा जगह है, मैं कूद भी सकता हूँ, बढ़िया है। चलो कोई और देखता हूँ, कोई और रास्ता। मेरे पास जो चाबी है उसका इस्तेमाल कहीं तो कहीं मैं कर सकता हूँ। गाइज मेरे पास जो हाथ में चाबी है ना उसका मैं कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या यहाँ पे खुल सकता हूँ? नहीं यहाँ पे तो नहीं है। अंकल जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ भी खुलेगा मैं अंदर घुस जाऊँगा। इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे भी नहीं जा सकता, ये तो भाई साहब बाहर है, बालकोनी है। एंड इधर इधर भी नहीं हो सकता गाइजर, ये भी दिक्कत है। एंड लगता है इधर हो सकता है, चलो इधर चेक करता हूँ। एंड गाइजर हाँ फाइनली गाइजर मैं अंदर आ चुका हूँ, चलो इसे बंद करता हूँ। एंड गाइजर इधर क्या है? इधर गाइजर कुछ ना कुछ तो सामान जरूर है जो मिल जाएगा। ओके गाइजर यहाँ पे एक पेंटिंग है, इसे फोड़ता हूँ मैं। एंड यार ये पेंटिंग किस चीज़ का, चलो देखता हूँ। ये तो गाइजर लगता है अंकल और अंकल बेटे का है, ये देखो। और ये लगता है गाइजर वो पुराने वाले बाहर का घर का है, जहाँ पे गाइजर ये लोग हंसी खुशी रहते थे। बट ये क्या, हेल्प मी? लगता है गाइजर ये लड़का बिना अंकल जी से परेशान है, हेल्प मी रो रहा है। एक सेकेंड ये क्या हुआ? अंकल जी ओए अंकल जी, अरे यार ये आपका बच्चा, ये कहाँ लेके जा रहे इसे? ओके यार ये अंकल जी तो बहुत ही बदमाश है, देखो तो घर के अंदर रख दिया उन्हें। और गाइजर मैं कहाँ आ गया? लगता है गाइजर मैं ना यार अपने घर में आ चुका हूँ, ये बुरा सपना था। ओ नो गाइजर ये फिर से क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ भाई? ये चल क्या रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये क्या सीसीटीवी कैमरा में कुछ और दिखाया जा रहा है। चलो गाइजर अब कुछ कर भी नहीं सकते, अब जाना होगा, लेट्स गो गाइजर बाहर चलते हैं। तो गाइजर हम लोग फिर से आ चुके हैं ये भूतिया घर के बाहर। अब गाइजर इस बार मैं अंदर जाके रहूंगा। एंड गाइजर देखना मैं बच्चे को और अपने सारे दोस्तों को बचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके यार मैं एक बार देख लेता हूँ अंकल जी यहाँ पे, लगता है अंकल जी नहीं है। चलो गाइजर जल्दी से ऊपर जाते हैं, मेरे को यहाँ पे एक चाबी मिला है जिससे गाइजर मैं नया लगता दरवाजा खोल दूंगा। ओके ये तो मैं बाहर ही निकल गया, ये कौन सा दरवाजा है? ओके ये नहीं गाइजर, इसके लिए तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर तो मेरे पास है नहीं। क्या इसके लिए क्या? ओके गाइजर इसी का ही है, चलो बढ़िया है। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं लगा देता हूँ, एक सेकंड इसके अंदर क्या है, किताब के अंदर? अरे वाह गाइजर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इससे गाइजर वो स्क्रू मैं खोल सकता हूँ। एंड गाइजर यहाँ पे पता नहीं लकी सीक्रेट दरवाजा, और यहाँ पे ना एक बुक खाली है पत्ता वाला। ओके कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बट देखने आगे क्या है। कम से कम मुझे ये सामान तो मिल गया जिससे गाइजर मैं यार यहाँ पे खोल सकता हूँ। अंकल जी मेरे पीछे पड़ चुके हैं, नीचे उतरो गाइज, यार अंकल जी मेरे पीछे हैं। अंकल जी कहाँ चले गए? ओके जब भी अंकल जी आते हैं तो बहुत ही डर लगता है गाइजर, क्योंकि अंकल जी हमें छोड़ते ही नहीं है। ओके वो देखो वहाँ ढूंढ रहे, तब तक मैं यहाँ पे इसको खोल देता हूँ। ओके अंकल जी फिर से मुझे देख लिए, ये देखो अंकल जी आइए आइए मैं आपको दौड़ाता हूँ। अंकल जी मेरे पीछे मत पड़ जाइए, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, तड़ा आ जाइए नीचे आ जाइए। अंकल जी आइए नीचे आइए, अरे नीचे आइए जी भाई। अंकल जी ना कुड़िया है, नीचे भी नहीं आते, मतलब कि देखो तो गाइजर नीचे आना चाहिए तो नीचे नहीं। अब आ रहे नीचे, आने दो आने दो आने दो आने दो। तब तक गाइजर मैं यहाँ पे ये खोल लूंगा स्क्रू। चलो गाइजर जल्दी स्क्रू खोलता हूँ। एंड गाइजर अंदर चलता हूँ, फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। एक सेकंड यहाँ पे मुझे बुक मिला है, ये तो भाई पत्ता वाला बुक है गाइजर, जो यार बगल में खाली था स्लॉट, चलो वहाँ पर जल्दी से डाल देता हूँ। ओके ये देखो, और एक सेकेंड भाई करना क्या यहाँ पे, तो बुक आगे पीछे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे इसका पैटर्न ढूंढना है, अगर मैं पैटर्न ढूंढूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ओके बस यार पैटर्न 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 कहाँ से ढूंढ सकता हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे नहीं गाइजर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है पैटर्न के लिए। गाइजर लास्ट टाइम मुझे पैटर्न टीवी के अंदर मिला था, यहाँ पे भी टीवी है, चलो इसे खोलता हूँ। एक सेकेंड यहाँ पे तो टीवी चल ही नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? लगता है गाइजर ना इसका एंटीना मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइजर इसका टीवी चल ही नहीं रहा है। ओ नो गाइजर चलो बाहर जल्दी से चलता हूँ, भाई इसका एंटीना मुझे ही ठीक करना होगा। शिट यार यहाँ पे सारा काम मुझसे ही अंकल जी करा रहे हैं, मतलब कि खुद का घर का काम भी मेरे से करा लो ना सब चीज़। चलो गाइजर अब ऊपर चलते हैं, ये दरवाजे को खोलता हूँ मैं। एंड गाइजर ऊपर मुझे पक्का है कि ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा, या पता मुझे एंटीना ही ऊपर में गड़बड़ है, उसी को ठीक करना होगा, फिक्स करना होगा। अब तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा गाइजर, इसीलिए अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चलो यार ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। इस बार तो गाइजर मैं ऊपर जा करके देख लेना
जान ही लूंगा कि भाई टीवी चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यार मुझे पक्का है कि ना टीवी के अंदर ही मुझे यार यहाँ पे कोड मिलेगा। और गाइस अंकल जी का घर तो यार सच में यार बहुत ही ज्यादा मरम्मत की जरूरत है, देख रहे हो हर जगह टूटा फूटा एकदम खराब हुआ पड़ा है। अंकल जी कब घर बनाइएगा समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस फाइनली मुझे एंटीना मिल चुका है, ये देखो ये है भाई टीवी का तार और ये एंटीना। भाई ठीक हो जा। अरे भाई एंटीना तो ठीक है बट एक सेकंड, एक तरफ का एंटीना तो है ही नहीं है, इसी की वजह से गाइस ये चल नहीं रहा है। ओके मुझे यहाँ पे एक तरफ का एंटीना और लाना है। ओके गाइजर उसी की वजह से टीवी नहीं वर्क कर रहा था। चलो यार जल्दी से अंदर ढूंढते हैं एंटीना को, लेट्स गो गाइजर। मुझे लगता है ना यार टीवी के पास ही होगा कहीं ना कहीं एंटीना। ओके यहाँ पे है क्या कहीं एंटीना? नहीं गाइजर ये दरवाजा भी खोलना है, क्योंकि पता है ये जैसे खुलेगा ना वैसे मैं ऊपर जा पाऊंगा। बट गाइजर ये तो आगे का है, पहले मुझे यहाँ पे एंटीना तो ढूंढना है। एंटीना। ओके ये टीवी है, क्या पता टीवी के ऊपर एंटीना हो। चलो गाइजर देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या, एक सेकेंड यहाँ पे बॉक्स है गाइजर, इसे खोलता हूँ क्या पता इसके अंदर कुछ मुझे मिल जाए। ओके गाइजर फाइनली मुझे यहाँ पे एंटीना मिल चुका है। ये तो गाइजर मैं बहुत ही लकी हूँ, मुझे एक बार में एंटीना मिल चुका है। अब चलो जल्दी से ऊपर जाते हैं एंड गाइजर ये एंटीना को ना लगा देते हैं। ओके तो गाइजर फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड गाइजर अब समय आ चुका है यहाँ पे एंटीना को लगाने का, मतलब फिट करने का। चलो जल्दी से भाई बैग से एंटीना निकालते हैं, ये एंटीना यहाँ लगा देते हैं एंड गाइजर इसे जल्दी से फिक्स करते हैं। ओके ये फिक्स हो जा भाई, लगता है गाइजर हम लोग ने इसे ठीक से फिक्स कर दिया है। एंड गाइजर अब समय आ चुका है टीवी देखने का, लेट्स गो गाइजर यहाँ पे चैनल ऑन करते हो। उससे पहले यार अंकल जी आ चुके हैं, इनसे बचना पड़ेगा गाइजर। ओके कोई दिक्कत नहीं हम लोग तो बच लेंगे। आ जाइए अंकल जी आ जाइए, मुझे अंकल जी से बस बचना है एंड टीवी ऑन करना है। अंकल जी देखो सोने जा रहे हैं, चलो अच्छा है। अंकल जी सोने से पहले इधर क्यों आ गए? चलो गाइजर अंकल जी से मैं छुटकारा पा लिया, आप टीवी खोलता हो और मुझे पक्का है कि टीवी के अंदर कुछ ना कुछ हिंट्स मुझे मिल जाएगा। लेट्स गो। ओके टीवी में कुछ तो दिख रहा है, फायर। चलो ठीक है फायर हो गया। दूसरी तरफ गाइजर पत्ता, तीसरी तरफ गाइजर यहाँ पे ये क्या है, अर्थ। एंड गाइजर बंद हो गया। ओके फायर पत्ता अर्थ, ये तीन चीज देखने के लिए मिला गाइजर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो चलो तो गाइजर एक काम करते हैं भाई, वहां पे जाके ये पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे भी गाइजर बुक को आगे पीछे करने से होता है। पहले यार यहाँ पे मुझे दिखाया था फायर, फिर पत्ता एंड गाइजर अर्थ, अर्थ ये रहा अर्थ। एंड गाइजर ये देखो मुझे यहाँ पे एक मुंडी मिला है, ये मुंडी का मैं क्या करूंगा? एक सेकंड गाइजर यहाँ पे देखो भालू को और यहाँ पे मछली है और यहाँ पे पिग है, तो ये सब का ना मुंडी गायब है और मुझे लगता है इसे मुंडी में डाल दूंगा ना तो गाइजर ये सीढ़ी ना नीचे आ जाएगी और मैं ऊपर जा सकता हूँ जहाँ पे बच्चों को किडनैप करके रखा गया है। गाइज मैं तो यहाँ पे समझ गया मुझे क्या करना है। चलो गाइजर बस अब मुझे मुंडी का तलाश करना है। चलो 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 बढ़िया है, जल्दी से गाइजर मुंडी का तलाश करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे गाइजर बहुत सारी, मतलब कि मुझे तीन मुंडी चाहिए, एक तो भालू तो मुझे मिल ही चुका है, एक पिग चाहिए और गाइजर दूसरा मुझे फिश चाहिए और क्या पता मुझे आसपास ही मिल जाए। एक सेकंड ये देखो ये तो फिश का ही मुंडी है। चलो फाइनली, ओह नो यार ये अंकल जी पता नहीं मुझे कब छोड़ेंगे, बट गाइजर मुझे यहाँ पे दो मुंडी मिल चुकी है, एक फिश और एक भालू। चलो गाइजर भालू का और फिश का दोनों का जल्दी से ले लेते हैं मुंडी। ये देखो ये मुंडी मैं ले लिया। चलो यार यहाँ से जल्दी से भागो, अंकल जी मेरे पीछे पड़ चुके हैं। उससे पहले मुझे यहाँ पे जल्दी से ऊपर जाना, ठीक है? चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, जल्दी ऊपर चलो। एंड गाइजर ये रहा फिश का, चलो यहाँ पे फिश का मैंने लगा दिया है। एंड गाइजर ये रहा भालू का, चलो गाइजर भालू का भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड गाइजर बस एक बचा है ये पिक का, बाकी सब चीज मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लेट्स गो। अब भाई पिक मुझे कहाँ मिलेगा? चलो उसे जल्दी से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाना चाहिए। चलो गाइजर काम करते ना नीचे जाके चेक कर लेते, क्या पता मुझे गाइजर पिक का ना नीचे ही मिल जाए। ओ नो गाइजर अंकल जी ने मुझे देख लिया, बट देखने से क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो बस यार नीचे जाना है। ओके चलो यार गाड़ी के पास जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाड़ी के पास शायद हो सकता है। ओके चलो जल्दी जाके देखते हैं। ओके मुझे अभी गाड़ी को खोलना है, बट यहाँ पे कुछ लगाने के लिए बोल रहा है। एक सेकंड ये क्या है? ओके ये हैंडल है और मैं हैंडल लगाऊंगा एंड खोलूंगा एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक खोलूंगा तो ये क्या? ओके मुझे यहाँ पे पिक का सिर भी मिल चुका है। भाई ये कितना इजी था, मैं कब से पिक का सिर ढूंढ रहा था। फाइनली मैंने यहाँ पे पिक का सिर भी रख लिया है एंड गाइजर चलो यहाँ पे जल्दी से पिक का सिर लगाते हैं। एंड गाइजर ये देखो दरवाजा खुल चुका है, चलो आप जल्दी से ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। चलो 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 जल्दी ऊपर चलो, जल्दी ऊपर चलो। एंड गाइजर ये देखो यहाँ पे मुझे चाबी डालना है और लगता है अंकल जी आ रहे हैं। ये रहा चाबी, चलो गाइजर जल्दी से चाबी डालता हूँ। और गाइजर ये देखो, ओके ये खुल चुका है। अरे यहाँ पे गाइजर एक बच्चा है, ओए बच्चे बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। अरे यार डर मत, मैं आ चुका हूँ तुझे बचाने के लिए। अरे आजा बाबू चिंता मत कर, तूने ही मुझे ये प्लेन भेजा था हेल्प मी वाला। लगता गाइजर ये देखो ये बच्चा कब से ऊपर में भाई छिपा हुआ था, अंकल जी ने इसे किडनैप करके रखा हुआ था। इसे यार जल्दी से बाहर लेके चलते हैं, अंकल जी कितने बुरे, इतने प्यारे से बच्चे को यहाँ पे रखा है। आ जाओ मेरे अपने दोस्तों को भी मैं गाइजर लेके चल जाऊंगा इसके साथ साथ। चलो चलो एक सेकंड ये क्या? ओ नो अंकल जी ने गाइजर देख लिया है।
और ये बच्चा भी डर रहा है। अरे बच्चे भाग जा, अंकल जी मुझे मत मारिए। ये अंकल जी तो अब मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मुझे छोड़ दे मुझे, लगता है गाइजर ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे यार बच्चा नीचे भाग गया और अंकल जी ने मुझे यार ये बच्चे के कमरे में ही बंद कर दिया है। ओ नो, ये क्या हो गया? अब गाइजर क्या करेंगे? एक सेकंड, बैग में भी कुछ नहीं है एंड मुझे ऐसे बाहर निकलना है। अरे मुझे खोलो खोलो, बाहर निकलना है मुझे। गाइजर उस अंकल ने तो मुझे यहीं पे बंद कर दिया, अब मुझे यहीं से बाहर निकलना होगा। यहाँ पे कुछ सामान है क्या? एक सेकंड, अरे वाह ये तो कैची है। चलो यार कैची तो मुझे मिल चुका है। अब गाइज एक काम करते हैं, जल्दी से काटते हैं एंड गाइजर यहाँ पे ना मुझे पिन कोड डालना है, देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन गाइजर ये उल्टा क्यों है? एक सेकंड गाइजर, ये क्या मतलब कि गाइजर मुझे उल्टा पिन कोड डालना है? मतलब कि मैं अंदर साइड हूँ लेकिन मुझे पिन कोड डालना है बाहर की तरफ, देख रहो इसीलिए ये उल्टा है। देखो ये उल्टा घूम रहा है, हर डिजिट भी उल्टे है। ओके यहाँ पे 5 है। ओके मतलब कि ये पिंक वाला जो होगा वो 5 का होगा, याद रखूंगा मैं, कलर से मैच करना है। एंड गाइजर यहाँ पे भी कुछ 0 है, 0 शायद रेड या फिर ऑरेंज है पता नहीं। यहाँ पे 2 है और ये देखो बच्चा कैसा है। ओके मतलब किस टाइप का ये घर का है। और यहाँ पे गाइजर 3 है, चलो ठीक है ये भी 3 हो गया। और गाइजर यहाँ पे मुझे ये लीवर मिला है, लीवर पता नहीं कुछ काम का है पर देख लेंगे क्या है। ओके और मुझे देखना है यहाँ पे 7 ग्रीन है। ओके चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 7 मुझे यहाँ पे गाइजर अपोजिट लाना पड़ेगा, तब वहाँ पे जाके 7 आएगा। जैसे देखो अब 7 आ चुका है, चलो ग्रीन का तो हो गया। चलो गाइजर अब 5 को बदलते हैं, मतलब पिंक में 5 लाते हैं। देख लो यहाँ पे 5 है तो 5 लाते हैं, चलो ठीक है। बाहर में अभी दूसरा नंबर है, चलो देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता, लेट्स गो। ओके गाइजर वो देखो बाहर में 5 आ चुका है, मतलब 7-5 हो चुका है। ब्लू मुझे ढूंढना है और ब्लू गाइजर ब्लू ये रहा, 2 था ब्लू। चलो गाइजर धीरे धीरे करके डालते रहते हैं। बाहर में कितना? अभी बाहर में 1 है, मतलब एक और नीचे मैं करूंगा तो 2 हो जाएगा। ये देखो, ओके ये देखो ये 2 हो चुका है। अब गाइजर मुझे यहाँ पे रेड और ऑरेंज करना है, तो आई थिंक गाइजर ऑरेंज ये होगा 0 एंड गाइजर रेड आपका ये है शायद, मुझे कंफर्म नहीं लग रहा बट गाइजर रेड तो मुझे ये लग रहा है 3। चलो अब देख लेते हैं क्या होता है। पहले रेड है तो रेड को एक बार 3 करके देखते हैं, ठीक है। चलो गाइजर रेड में एक बार यहाँ पे 3 डालते हैं, देखते क्या होता है। लेट्स गो 3 तो इधर पीछे तरफ जाना होगा। ओके यार ये देखो यहाँ पे 3 भी आ चुका है और ऑरेंज गाइजर मुझे लगता है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो चलो 0 डाल के देखते हैं क्योंकि यार कलर का नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए देखते क्या होता है। 0 पड़ा क्या? ओके एक और डालना है एंड गाइजर ये क्या भाई, मैंने सही डाला है तब भी नहीं हुआ। अच्छा गाइजर एक काम करते हैं, ऑरेंज को 3 और रेड को 0 करके देखते हैं, क्या पता ऐसा हो जाए भाई, ट्रिकी बहुत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको 0 करते हैं एंड गाइजर अब टाइम आ चुका है इसको 0 करने का। भाई इतना ट्रिकी था ना लास्ट वाला ये, कि भाई खोलना सच में नामुमकिन है। ओके फाइनली खुल चुका है, मतलब गाइजर मैंने यहाँ पे सही दिमाग लगाया और ये देखो खुल चुका है, इसे खोलना सच में आम बात नहीं है। ओके दरवाजा भी बंद हो चुका है, मैं नीचे नहीं जा सकता, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे चाबी भी नहीं है गाइजर, अंकल जी ने तो मुझे बंद ही कर दिया है। ये लीवर तो कहीं लगेगा, शायद यहाँ पे लगेगा, उसके लिए मुझे कैची चाहिए। ओके चलो यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड गाइजर दरवाजा खुल चुका है। और ये कौन सा दरवाजा है गाइजर, यहाँ से मैं कैसे जाऊँगा मुझे समझ आ रहा। ओके यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, चलो बढ़िया। यहाँ पे कुछ है क्या जो रख सकूँ? नहीं गाइजर यहाँ पे तो कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो यार मेरे काम का हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नीचे चलते हैं, सिर्फ भाई मेरे पास कैची के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो गाइजर मैं नीचे आ चुका हूँ और ये वही किताब वाला रूम है, बट ये भी गाइजर लॉक है, देख रहो यहाँ पे गाइजर कोई किताब भी नहीं हिल रहा। चलो गाइजर अब जल्दी से बाहर चलते हैं। और ये क्या भाई, यहाँ पे लॉक भी लगा दिया अंकल जी ने, अब मुझे यहाँ से जल्दी से घर से बाहर निकलना है। अरे हर जगह लॉक लगा है क्या? और गाइजर सारा का सारा दरवाजा यहाँ पे देख रहो लॉक है और अंकल जी ने लगता है मुझे देख लिया है। एंड गाइजर चलो एक काम करते हैं, अरे यार छोड़ो यार, टीवी को गाइजर ऑन कर देते हैं और यहाँ से भागते हैं, अंकल जी मेरे पीछे ही हैं। चलो गाइजर अब नीचे भागते हैं। एक सेकेंड भाई यहाँ पे तो देख रहो भाई क्रोबार चाहिए और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ओके मेरे पास क्रोबार भी नहीं है, क्रोबार तो ये रहा, बट ये लूंगा कैसे? चलो ठीक है मैं कैची फेंक करके क्रोबार तो ले लूंगा, चलो बढ़िया है। लेकिन यार चाबी मैं कहाँ से लाऊंगा? चाबी चाहिए चाबी, एक सेकेंड ये रहा चाबी, चाबी मुझे मिल चुका है ये देखो। लेकिन गाइजर चाबी के लिए मुझे ना गाइजर यहाँ पे आग बुझाना होगा और आग बुझाने से पहले मुझे उसे खोलना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ भाई, यहाँ पे अंकल जी ने तो मुझे परमानेंटली यहाँ पे बंद करने का उपाय खोज लिया है। ये देखो एक सेकेंड, अंकल जी के पीछे क्या है? गाइजर आपने नोटिस किया अंकल जी के पैंट के पीछे ना कुछ था? मैंने अभी नोटिस किया, चलो जाके जल्दी से देखते हैं, क्या पता अंकल जी के पैंट के पीछे कुछ हो। भाई यार एक काम करता हूँ ना, मैं टीवी ऑन करता हूँ और क्या पता अंकल जी टीवी बंद करने के लिए आएंगे आएंगे। चलो फिर से टीवी ना एक बार स्विच करता हूँ, देखता हूँ अंकल जी टीवी बंद करने आ रहे कि नहीं आ रहे। आ रहे गाइजर टीवी बंद करने के लिए आ रहे, उससे पहले गाइजर ये मुझे पकड़ ले रहे। अंकल जी का स्पीड बहुत तेज हो चुका है पहले से और ये भाई मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे, घर के अंदर ही पैक कर दिए मुझे। ओके यार अंकल जी देखो ऊपर आ रहे,
और गाइजर यहाँ पे बंद हो जा, अंदर चल जा, अंदर चल जा, अंकल जी आएंगे। और अंकल जी ने मुझे देख लिया क्या? ओके, ऐसा लग रहा है कि अंकल जी ने मुझे देख लिया है, उन्हें डर लग रहा है दोस्तों, और लगता है गाइजर अंकल जी ने मुझे देख लिया है। भाई इतने डरावना कौन होता है भाई, मैंने तो छिप गया था पीछे, बट अंकल जी तो मुझे पूरे तरीके से डरा दिए हैं, अब मैं क्या करूं। ओके अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी आ रहे हैं, यहाँ पे छुप जाता हूँ मैं। ओके गाइजर यहाँ पे अंकल जी लगा रहे, उससे पहले गाइजर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फाइनली गाइजर मैंने ले लिया है। अब गाइजर नीचे चलते हैं, ये देखो स्क्रू ड्राइवर फाइनली मेरे पास आ चुका है। एंड गाइजर चलो यहाँ से जल्दी से खोलता हूँ मैं। ओके ओके खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ जल्दी खुल जाओ, बस समय बहुत ही कम है। फाइनली गाइजर खुल चुका है, अब मुझे यहाँ पे आग बुझाना है। और गाइजर मैंने यार यहाँ पे ना देखा है फायर बुझाने वाला, जो आग बुझाने वाला यहाँ पे है, ये देखो। अब गाइजर मुझे जल्दी से ये लेना है, एंड गाइजर यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाऊंगा मैं। फाइनली गाइजर मुझे मिल चुका है। ओके अंकल जी पीछे ही है, यहाँ से मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, आग बुझाने वाला मेरे हाथों में है, अब जल्दी से यहाँ से आग बुझाता हूँ मैं। चलो बुझ जा बुझ जा बुझ जा बुझ जा बुझ जा भाई बुझ जा भाई बुझ जा। ओके अंकल जी आ चुके हैं, अंकल जी आ चुके हैं, भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। एंड गाइजर मैंने आग बुझा दिया, बट यार अभी भी ले नहीं सकता। ओके यार मैं ले सकता हूँ, फाइनली यार मैंने ले लिया है। और गाइजर अब यहाँ पे ताला खोलते हैं, ताला मैंने खोल दिया है, अब बस मुझे यहाँ पे क्रोबार चाहिए, क्रोबार चाहिए, क्रोबार चाहिए। फूट गया गाइजर, फूट गया फूट गया। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। अरे 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 हटो यार हटो हटो, निकल रहे यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो। फाइनली गाइजर यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। एक सेकंड, ये रहा बच्चा, अरे आजा बच्चे छुप क्या रहा है, इतने मुश्किल से मौका मिला निकलने का, जल्दी आजा। अंकल जी अब नहीं पकड़ सकते, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ओके ये देखो भाई इनका यार कौआ इन्हीं के ऊपर गिर चुका है। अरे यार बच्चे क्या हो गया? अरे बच्चे अंकल जी तुझे परेशान करते ना, उनके लिए क्यों रुक रहे, चलो अंकल चल। अरे चलो क्या हो गया यार, भाई ये बच्चा कितना बेवकूफ है यार, इमोशनल है, यही करना था तो मैं फालतू के यहाँ पे थोड़ी ना आया। ओ नो गाइजर ये लोग दोनों के पीछे प्यार हो गया है, और मैं अब क्या करूंगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एक सेकेंड पीछे कौन है? ओ नो गाइजर ये किसने मुझे मार दिया, अब क्या होगा मेरे साथ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रोको छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे गाइजर ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे मुझे बचाओ। ओए बच्चे मैं तुझे बचाने के लिए इतना जोखिम उठाया और तू मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है। ओह नो गाइजर पता नहीं क्या हुआ बट मैं दोबारा से यहाँ पे फंस चुका हूँ। लेकिन गाइजर आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको हेलो नेबर्स 2 का गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोजाना इस तरह से वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।